Okay. Moisturizer. ऐसे मैं फेल हो सकती हूँ, ये वीडियो दोबारा बनाई जाए, मुझे नहीं ये वीडियो अपलोड करनी। किसी ने इस तरीके का मेकअप नहीं देखा हो, किसी ने नहीं देखा होगा, बल्कि इस तरीके के आईब्रो किसी ने देखे नहीं। इसी लग रही है, मैं अब इससे मस्कारा अप्लाई करूंगी। कैन यू बिलीव दिस? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं रोई हूँ, आंखों के अंदर में पानी पड़ा हुआ है। फिर मुझे अपने चिक्स पे क्या बनाएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं कोई प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर नहीं करने वाली हूँ, ना ही कोई होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, और ना ही कोई मेकअप हॉल शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है। आई नो आप लोगों ने थंबनेल देखकर पहचान ही लिया होगा, बट फिर भी मुझे तो एक्सप्लेन करना ही होता है। तो आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, एंटरटेनिंग होने वाली, बल्कि फन होने वाला है। आज की वीडियो में ब्लाइंड फोल्ड मेकअप चैलेंज करने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी या कितना अच्छे से कर पाऊंगी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये ब्लाइंड फोल्ड मेकअप चैलेंज में ना मैं कुछ अलग सा करने वाली हूँ, अलग ये करने वाली हूँ। आंखों पे तो मैं पट्टी बांधूंगी, मेकअप को मुझे ढूंढना है तो ढूंढना ही है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं, आप लोग देख सकते हैं, मैंने इतना बड़ा बॉक्स ले लिया, एंड इसमें मैं सारे मेकअप प्रोडक्ट्स डाल दूंगी। जैसे मुझे फाउंडेशन अप्लाई करना है तो फाउंडेशन, लिपस्टिक, लिप लाइनर, आईब्रो पेंसिल सब इसमें मैं डाल दूंगी। डालने के बाद जिस टाइम पे मुझे जो प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करना होगा, एंड बंद करके उस प्रोडक्ट को ढूंढूंगी, एंड जो भी उस टाइम पे मेरे हाथ में आएगा ना, तो मुझे वो चीज़ अपने फेस पे अप्लाई करनी है। जैसे मान लो कि मैं जो लिपस्टिक अप्लाई करनी है, लिपस्टिक के टाइम पे मान लो मेरे हाथ में कंसीलर आ जाता है, तो मैं लिपस्टिक कंसीलर को ही एज ए लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी होने वाली है ये वीडियो, तो एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। चैनल पे नए आए हैं सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट मैं इसमें सारे मेकअप प्रोडक्ट्स भर के आती हूँ। तो इसमें मैंने सारा का सारा मेकअप का सामान डाल दिया, जो भी मुझे मेकअप करने में लगेगा, बल्कि एक्स्ट्रा भी मैंने कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया। अब इसके बाद अपने मुझे आईज को अपने हाइड करना पड़ेगा, आंखों को बंद करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक ये पट्टी सी ली है, इसी को मैं अपनी आंखों पे अप्लाई करूंगी, एंड उसके बाद प्रोडक्ट्स ढूंढूंगी। ठीक है, तो उससे पहले, सबसे पहले मुझे अपने फेस पे अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर। देखते हैं कि आंखें बंद करने के बाद मैं क्या ढूंढ के लाती हूँ। अच्छे से बांध दिया है, पता नहीं मैं कैमरे में दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, आई डोंट नो। अब मैं नहीं देख पा रही, कोई बात नहीं, बट आप लोग तो देख ही पा रहे हो। तो अच्छा, मुझे अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है सबसे पहले। तो अब मैं अपने तब मैं दूसरे हैंड से मॉइस्चराइजर ढूंढूंगी। ठीक है, सो ओके, मॉइस्चराइजर, ये दिस वन। तो ये मेरे हाथ में है, ठीक है, इसी को मैंने पकड़ के रखा, एंड अपनी आंखों को खोलूंगी। ओके, ओ मॉइस्चराइजर ही आया है मेरे हाथ में। पहली बात तो आंखें खोलने के बाद ही मुंह दिखाई देना बंद हो जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे हाथ में यही आया है, तो इसी को हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। तो पहला पड़ाव हमने पार किया है, फेस पे अप्लाई करूंगी इस तरीके से डॉट ऑफ। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट हम अपने फेस पे क्या अप्लाई करते हैं? हम अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए मैं अब फिर से अपने आंखों पे पट्टी बांधूंगी। तो आपको वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं फटाफट बांध लिया, एंड अगेन मैं जा रही हूँ डुबकी लगाने के लिए। सो आई थिंक ये मेरे हाथों में चीज़ें आई हैं, पकड़ के रखा है नहीं। ओके, ये चीज़ें आई हैं, अभी से कौन सा वाला हो सकता है। ओके, सो आई थिंक ये है फाउंडेशन। फाउंडेशन का जो कंटेनर होता है वो बड़ा ही सा होता है, मुझे तो लगता है यही फाउंडेशन है। तो चलो देखते हैं खोल के। ओह यस, सेकंड पड़ाव भी हमने पार कर लिया है। तो अब इसे अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ फटाफट। अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। ओके, हाँ फाइनल।
फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट जो बारी आती है वो है कंसीलर। तो फटाफट देखते हैं कि अब मेरे हाथ में क्या आता है। ओके, मैं फिर से जा रही हूँ लुकी लगाने के लिए। कंसीलर कहाँ है? आई थिंक ये कंसीलर है। नहीं, ये कंसीलर कैसे है? आई थिंक ये कंसीलर है। हाँ, फटाफट कंसीलर भी अप्लाई कर लेते हैं। कंसीलर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट हम आई शेडो अप्लाई करेंगे। तो आई शेडो के लिए देखते हैं कि क्या मेरे हाथ में आता है, इस बार मैं ये पड़ा पार कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। ओके, फिर से मैं जा रही हूँ डुबकी लगाने के लिए। ओके, आई थिंक दिस वन आई शेडो पैलेट। ओके, सो मेरे हाथ में ये आया है एंड अब इसको फिर से मैं खोल के देखती हूँ। कैसे हो सकता है मेरे हाथ में ब्लश आया है, ब्लश पैलेट आई है। तो अब चलो इसी को हम अपने आईज पे अप्लाई करके देखते हैं क्या कैसा लगता है। चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे मेरे पास चार कलर है, तो चार में से मैं सोच रही हूँ कि ये हल्का वाला कर लगाऊं। ओके, सो पता चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या बात है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट वीडियो में मुझे ये वाला हैक भी ट्राई करना चाहिए। ओके, अच्छे से अप्लाई करने के बाद ये है रिजल्ट। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि मैंने अपनी आईज पे ब्लश अप्लाई किया है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, देख सकते हैं। आई शेडो अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आईब्रो बनाऊँ। तो चलो अब आईब्रो पेंसिल को ढूंढते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे हाथ में। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को देख ही पा रहे होंगे ना। ओके, ओहो क्या क्या मेरे हाथ में आ गया। अच्छा, तो मेरे हाथ में ना ये दो आए हैं, आईब्रो पेंसिल है कि क्या है पता नहीं। मुझे दोनों में से एक को पकड़ना पड़ेगा, तो मैं किसको छोड़ू। तो देखते हैं कौन सा मेरे हाथ में आया। ठीक है, ये वाला मैंने लिया है। ओके, क्या अब इससे मैं आईब्रो बनाऊंगी? ब्लैक आईब्रो हर किसी ने बनाए होंगे, ब्राउन आईब्रो हर किसी ने बनाए होंगे, ब्लू पेंसिल के से कोई आईब्रो बनाएगा, कोई बनाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे में फेल हो सकती हूँ, ये वीडियो दोबारा बनाई जाए, मुझे नहीं ये वीडियो अपलोड करनी। नहीं नहीं, जो मैंने चैलेंज किया है वो तो करूँगी ऑफकोर्स। सो इसी को मैं आईब्रो पेंसिल एज ए यूज करूँगी। मुझे सच में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। इस तरीके से मैं आईब्रो पेंसिल अप्लाई करके बाहर चलेगी ना, लॉन्ग टर्म बोलेंगे पागल लड़की आ गई है। स्पीचलेस हूँ, मैं स्पीचलेस हूँ, बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। क्या खतरनाक आईब्रो बन रहे हैं। कैसे लग रहे मेरे आईब्रो? किसी ने इस तरीके का मेकअप नहीं देखा हो, किसी ने नहीं देखा होगा, बल्कि इस तरीके के आईब्रो किसी ने देखे नहीं होंगे। लाल भी देख लिए होंगे, काले भी देखे होंगे, ब्राउन भी देखे होंगे, बट ब्लू कलर में माइंड ब्लोइंग, वाह क्या बात है। ओके, सो मैंने दोनों तरफ अप्लाई कर लिया, काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है, मतलब मेरी चेहरे का लुक ही पूरा बदल गया है, बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि ये मैं हूँ। पूरा बिल्कुल अलग हो गया, मतलब आईब्रो से, मतलब क्या बोलूँ मैं। अगली बार मुझे ये पड़ाव जीतना ही जीतना है, कैसे भी तैसे करके। ठीक है, चलो कैसे तैसे मैंने अपने आईब्रो तो बना ही लिए हैं, तो चलो अब नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में मुझे मस्कारा अप्लाई करना है, तो देखते हैं मस्कारा के लिए मेरे हाथ में क्या आता है। इस बार तो मैं फेल होगी। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं दोबारा अगेन मैं डुबकी लगाने जा रही हूँ। ओके, आई थिंक ये हो सकता है।
तो देखते मेरे हाथ में क्या आया है। क्या मेरे हाथ में लिपस्टिक आई है? ओह, मेरे हाथ में लिपस्टिक आई है। मेरी आंखें खुलने में थोड़ा टाइम लग गया। सच में लिपस्टिक आई है। ओह माय गॉड, कैसे मैं इससे लिपस्टिक से मस्कारा अप्लाई करूंगी? देखा है किसी ने इस तरीके का मेकअप? किसी ने देखा है जो आज तक दुनिया में कहीं पे भी प्रकट ना हुआ हो? ऐसे ही आईब्रो से मेरी शक्ल पूरी भद्दी लग रही है, पूरी गंदी सी लग रही है। मैं अब इससे मस्कारा अप्लाई करूंगी। कैन यू बिलीव दिस? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चैलेंज है तो करना तो पड़ेगा, पर मैं कैसे हार सकती? दो पड़ाव मैंने जीते हैं एंड ये थर्ड में ही मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है। ये आईब्रो की वजह से लग रहा सब कुछ हुआ है। काश मैं आईब्रो में आईब्रो पेंसिल ही ढूंढ लेती, ये नीला काजल ना ढूंढती। तो चलो, इसको कैसे मैं अप्लाई करूं? वैसे इस तरीके से? तो ये तो अच्छा, लिपस्टिक अप्लाई नहीं हो रही मेरी। ओके, सो मैंने इतना मस्कारा बोल रही हूँ, इतनी मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है, बट ये और ज़्यादा नहीं लग पा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इसको लगाने की। मस्कारा अप्लाई करने के बाद अब मैं अपने फेस की कॉन्टोरिंग करना चाहती हूँ, अपने फेस को थोड़ा स्लिम सा दिखाना चाहती हूँ। आईब्रो तो बेकार से मैंने कर लिए हैं, थोड़ा फेस तो कम से कम स्लिम हो। तो उसके लिए यहाँ पे मैं अपने फेस की कॉन्टोरिंग करना चाहती हूँ। कॉन्टोरिंग के लिए देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट आता है। तो फटाफट आप लोग देख सकते हैं, मैं फिर से जा रही हूँ कॉन्टोर। थोड़ा सा आई थिंक ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ओके, इतना सारा फिर मेरे हाथ में सामान आ गया है। तो मेरे हाथ में यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो दो में से जो गिर गया वो नहीं, तो यही मेरे हाथ में है। तो इसी को मैं, देखते हैं क्या आया है मेरे हाथ में। ये क्या है मेरे हाथ में? आया है हाइलाइटर। तो यानी कि अब मुझे फेस की कॉन्टोरिंग हाइलाइटर से करनी पड़ेगी। ओह यस, हाइलाइटर से ही करनी पड़ेगी। मैं ना ये वाला पार्ट मैं कट करने वाली हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं कट करूंगी। आप लोगों को दिख रहा है? अभी नहीं मेरा दिख रहा वीडियो में, देख सकते हैं। मैंने हाइलाइटर सच में अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा मैं नोज को भी कर दूं। वैसे तो ब्लेंड करने की जरूरत ही नहीं है इसको, इतना फिंगर से ही हो जाएगा। मेरी नाक ही पूरी चमक रही है देखो। कॉन्टोरिंग करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैं काजल अप्लाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी आंखें अभी भी सूनी सूनी लग रही है। तो काजल के लिए देखते हैं कि मेरे हाथ में अब क्या आता है। देख सकते हैं मैंने आंखों में बांध लिया अब। सो मेरे हाथ में ये दो पेंसिल आई है, ठीक है। तो इसमें से मुझे ये वाला तो नहीं हो सकता, क्या है? तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है, तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। सो मुझे ये गोल्डन कलर को एज ए काजल अप्लाई करना पड़ेगा। चलो भाई, इतना कुछ तो मैंने मुंह पे पोत लिया है, तो चलो अब ये भी कर लेते हैं, इसमें क्या हर्ज है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने काजल भी अप्लाई कर लिया जो कि गोल्डन कलर का था, तो उसे भी अप्लाई कर लिया। बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि अभी भी मेरी आंखें सूजी सूजी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं रोई हूँ, आंखों के अंदर में पानी पड़ा हुआ है। पड़ाव की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में मुझे अपने चिक्स पे पता नहीं क्या हो रहा, वीडियो क्या बना रही हूँ, क्या बन रही। मैंने सोचा था ये चैलेंज पूरे में कंप्लीट कर लूँगी, अच्छे से कर लूँगी, बट क्या क्या मेरे हाथ में आ रहा है। तो अब मैं नेक्स्ट पड़ाव में यहाँ पे मुझे अपने चिक्स पे क्या बनाएगा। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। नेक्स्ट पड़ाव में मैं अपने चाहती हूँ कि चिक्स पे तो अब अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पड़ाव पे मैं ब्लश अप्लाई करना चाहती हूँ, देखते हैं कि अब मेरे हाथ में क्या आता है। तो फटाफट ट्राई करते हैं। ओके, तो मैं फिर से जा रही हूँ ब्लश ढूंढने के लिए। ब्लश के लिए
तो मेरे हाथ में ये फिर से दो ही चीज़ें आती है, जब देखो दो दो चीज़ें आती है, दो चीज़ें बड़ी ख़राब होती है, तो इसमें से आई थिंक ये तो नहीं हो सकता, तो आई थिंक ये ब्लश है क्या, फिर से धोखा। तो मुझे अपने चिक्स पे ये लिप टिंट अप्लाई करना पड़ेगा, लिप टिंट बोल रही हूँ, ये लिप पीलो मास्क अप्लाई करना पड़ेगा। कैन यू बिलीव दिस, क्या मैं इसे अपने चिक्स पे अप्लाई करूंगी नहीं, अरे ये तो चिक्स पे अप्लाई करने के बाद छूटेगा ही नहीं, एक तो इसको निकाला नहीं मैंने, तो मन मार के मुझे ये काम भी करना पड़ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा करके अप्लाई करूंगी, देख सकते हैं किस तरीके का, ये जेली जेली फॉर्म में आता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। इसको सुखा के ही मुझे उतारना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे इसको ब्लेंड कर दूंगी ना तो ये ना पूरा उतर जाएगा, मेरे हाथ पे सारा आ जा रहा है, थोड़ा मैं इसको नोज पे भी अप्लाई कर लूँ, मुझे थोड़ी नोज थोड़ी लाल लाल पसंद है। तो चलो इसको मैंने तो अप्लाई कर लिया है, बट इसे मुझे कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ेगा ताकि ये ड्राई हो जाए, देन उसके बाद हम देखते हैं कि ये मिक्स होता है या नहीं होता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये ना ब्लेंड नहीं हो पाता अच्छे से, तो इसको हमें थोड़ी देर के लिए सूखने देना है, देन मिलते हैं। तो इसे मैंने कम से कम थोड़ी देर तक रख दिया था, अब मुझे लग रहा है कि इसे मुझे निकाल देना चाहिए, पील ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सूख गया है, हाँ आई थिंक सूख ही गया है, पूरा सूख गया है ये, इसको निकालते हैं हम, निकल गया मेरे फेस से, निकल गया। हाँ, कैसी लग रही है, सूपनका जैसी लग रही है, मुझे पता था ये ब्लेंड नहीं होगा, तो पील ऑफ होने के बाद देख सकते हैं ये अच्छे से ब्लेंड ही नहीं हो रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है कि छापा पड़ गया मेरे यहाँ पे कुछ। चलो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, अब जो बारी आती है वो है लिपस्टिक अप्लाई करने की, तो अब देखते हैं कि क्या आता है मेरे हाथ में, तो फटाफट ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं फिर से अगेन जा रही हूँ, तो लिपस्टिक कहाँ हो तुम, लिपस्टिक मेरे हाथ में, ये है आई थिंक ये लिपस्टिक है, ये लिपस्टिक तो है, इस बार सही थी बट किस्मत फूटी रहे, लिपस्टिक तो आई है मेरे हाथ में बट ये मेरे लिप्स पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये पूरी पर्पल कलर की लिपस्टिक है, तो अब इसे भी अप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं लास्ट में कैसा रिजल्ट आता है, देख सकते हैं, आहा, ऐसे कलर अच्छा लग रहा है, पर मुझे नहीं लगता इस मेकअप के ऊपर भी ये कलर अच्छा लग रहा है, ओके गाइस ये है फाइनल रिजल्ट, आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा सा वाला मेकअप किया है, मैं पूरी की पूरी फेल हो गई इस मेकअप चैलेंज में, मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छा मेकअप करूंगी, आंखें बंद करके बहुत ही अच्छा सा मेकअप कर लूंगी, बट नहीं यार। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी ये वीडियो इंटरेस्टिंग या फनी लगी है या कुछ भी लगी है या वीडियो पसंद भी आई है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, एंड मुझे ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा मेकअप चैलेंज देखना चाहते हैं, इसी मेकअप चैलेंज को देखना चाहते हैं, ब्लाइंड फोल्ड मेकअप चैलेंज देखना चाहते हैं या फिर कुछ अलग देखना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वॉचिंग एंड बाय।